मुशायरों के मंच पे मजलूमों का दर्द सुनाने वाले मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों की सूची में इमरान इकलौते मुस्लिम शख्स हैं जो राज्यसभा के लिए नामांकन कराएंगे। इस बार 3 मुस्लिम नेता अलग अलग पार्टियों से राज्यसभा जा रहे हैं। इनमें समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद जावेद अली और राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD से डॉक्टर फयाज शामिल हैं। इसमें इमरान प्रतापगढ़ी की उम्मीदवारी काफ़ी दिलचस्प है, इसलिए क्योंकि कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद, सलमान खुर्शीद के अलावा कई दिग्गज मुस्लिम नेताओं की लंबी फेरिस्त है। इनके बजाय कांग्रेस ने इमरान पर दांव लगाया है। राजनीतिक कौशल और अनुभव के आधार पर देखें तो वरिष्ठ नेता बेशक कांग्रेस की रणनीति के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज की तारीख में कांग्रेस जिस हालत में है उसमें उसे संघर्षशील और जुझारू नेताओं की जरूरत है। इमरान प्रतापगढ़ी ने मॉब लिंचिंग के शिकार तमाम लोगों की मदद की है। उनकी ये कोशिश उन्हें लोगों के दिलों के करीब ले गई। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें मुरादाबाद से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वो सपा के डॉक्टर ST हसन से हार गए थे। इमरान की फैन फॉलोइंग UP में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में है। ये अलग बात है कि राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से उनकी समर्थक भीड़ वोटों में तब्दील नहीं हो पाती, लेकिन हालात बदलने पर कांग्रेस के साथ इसका खड़ा होना भी संभव है। राजनीति में आने से पहले भी इमरान प्रतापगढ़ी तमाम सेकुलर पार्टियों के चुनाव प्रचार में शामिल होते रहे हैं। महाराष्ट्र हो या बिहार, यूपी या दूसरे राज्य, वो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे तमाम दल नेताओं के प्रचार में नजर आए हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद वे पार्टी के अल्पसंख्यकों को जोड़ने की कोशिश में लगे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं की बजाय इमरान प्रतापगढ़ी को संसद भेजने का फैसला किया है। कांग्रेस से जिन दूसरे लोगों को राज्यसभा भेजा जा रहा है उनमें राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन, अजय माकन, जयराम रमेश, विवेक तंखा, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी और पी चिदम्बरम शामिल हैं। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस के भीतर से विरोध और मायूसी की खबरें भी बाहर आई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, तो उनके समर्थन में कांग्रेस के बागी होते जा रहे नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आ गए और इसे पार्टी के लिए आत्मघाती कदम बताया है।